साथियों नमस्कार, मैं दलजीत कुमार, सहायक प्रोफेसर इतिहास, देश बंधु गुप्ता कॉलेज पानीपत, सिविल हॉस्पिटल पानीपत में हमारे द्वारा डॉक्टर अमित पोड़िया जी के सहयोग से, उनके मार्गदर्शन में और मेरे इको क्लब के विद्यार्थियों के सहयोग से ये एक जो है सिविल हॉस्पिटल पानीपत में एक हर्बल गार्डन का निर्माण करे पिछले काफ़ी दिनों से चला हुआ है। समय समय पर इनका संरक्षण किया जाता है, रखरखाव किया जाता है, इनकी निराई गुड़ाई की जाती है और साथ ही साथ जो है नए नए पौधे रोपित किए जाते हैं। अभी काफ़ी पौधे और भी रोपित किए जाएंगे यहाँ और यहाँ विभिन्न प्रकार के औषधीय पौधों के साथ साथ यहाँ काफ़ी बड़ी तादाद में फूलों के पौधे भी रोपित किए गए हैं, जिससे कि ये हर्बल गार्डन, ये सिविल हॉस्पिटल पानीपत का गार्डन और भी ज़्यादा सुंदर बन सके। ये देखिए, इस बिल्डिंग के चारों तरफ जो है हर्बल गार्डन को इस बिल्डिंग से ने घेरा हुआ है। इधर यह मधुमालती ऊपर को बहुत जल्द जाएगी तो और सुंदर नज़ारा होगा, उधर भी लगाई गई है। ये केला, लेमन ग्रास काफ़ी बड़ी संख्या में हमने यहाँ रोपित किए हैं पौधे अलग अलग। लगभग मैं आपको बताऊं तो 50 से अधिक प्रकार की विभिन्न वैरायटी के पौधे जो प्योरी हर्बल हैं रोपित किए हैं। आओ मिलकर प्रयास करें, अधिक से अधिक पौधे रोपित करें, उनका संरक्षण करें और जल्द ही ये हर्बल गार्डन सिविल हॉस्पिटल पानीपत को समर्पित कर दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।